जो अगला व्यंजन हम बनाने जा रहे हैं वो हालांकि तो सबसे सिंपल और सबसे आसान रेसिपी है, लेकिन मैं उसको एक हल्के से ट्विस्ट के साथ बना रहा हूँ। हम बनाने जा रहे हैं साबुदाने और सेब की खीर। इसके लिए हमें चाहिए 1 लीटर दूध, छोटी इलायची कुटी हुई, कंडेंस मिल्क, मिल्क मेड आप चाहें तो इसकी जगह खोआ यूज कर सकते हैं ग्रेट करके या उसको मसल के। साबुदाना 1/2 कप सोख किया हुआ, इसमें पानी उतना ही डालें जितना साबुदाना कवर हो जाए। चीनी 1/2 कप, एप्पल सेब चॉप किया हुआ, इसको आप चाहें तो स्किन हटा सकते हैं। चॉप्ड नट्स, आप नट एलर्जीज हैं अगर आप नट अवॉइड करना चाहते हैं तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। और गार्निश के लिए चांदी का बर्फ। खीर शुरू करने के लिए दूध हमने गुनगुना कर लिया हल्का सा, इसमें हम डालेंगे चीनी। चीनी के बाद मिल्क मेड या कंडेंस मिल्क अगर आप चाहे तो, यहाँ पे जो मैंने बोला खोआ ग्रेट किया हुआ या खोआ मैश किया हुआ डाल सकते हैं आप, कोई भी खीर है। मैंने सबसे सिंपल रेसिपी इसलिए चुनी क्योंकि इसके साथ सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी आप चाहें तो खीर के साथ कर सकते हैं। सिर्फ ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो आप मेन इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं खीर में वो किस स्टेज में डालें। जैसे अगर हम सेब की खीर बना रहे हैं तो सेब हम तब डालेंगे जब खीर आधी पक चुकी होगी। अब हम डालेंगे कार्डमम पाउडर, क्रश कार्डमम। कई लोग मैंने देखा है, यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं कि पोटली बना के कार्डमम, हल्का सा दालचीनी, हल्का सा लौंग पोटली बना के दूध में डाल सकते हैं, बाद में निकाल सकते हैं। साबुदाना डालेंगे हम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम साबुदाने को सोक करें। उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि साबुदाना दूध में जाके जुड़ता नहीं तो ड्राई साबुदाना हम डालेंगे तो दूध में जाके जुड़ जाएगा, वो लम्ब्स बन जाएंगे उसमें। अगर हम सोक करेंगे इन अ लिटिल एक्सेस वाटर, थोड़े से ज्यादा पानी में, वो साबुदाने को जुड़ने नहीं देता और इस तरह से साबुदाना जो है वो बिखरा बिखरा रहता है। इसको बहुत जरूरी है, हम इस खीर को चलाना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी हमने इसमें डाला हुआ है कंडेंस मिल्क जो कि नीचे लगने के चांस हैं, इसमें हमने डाला हुआ है साबुदाना जिसके नीचे लगने के चांस है। इसको हम अभी स्लो पे सिमर करेंगे, करीब 10-15 मिनट में आप रियलाइज करेंगे साबुदाना खीर गाढ़ी कर रहा है। सो इस तरह से दूध हमारा पक गया है, मैंने हल्का सा केसर डाला है उसमें और साबुदाने ने उसको गाढ़ा कर दिया है। ये वो स्टेज है जब आप बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालना चाहें। अगर आप चाहें तो कैंड पाइनएप्पल, फ्रेश पाइनएप्पल नहीं, कैंड फ्रेश पाइनएप्पल दूध को फाड़ देगा, कैंड पाइनएप्पल को चॉप करके डाल सकते हैं इस टाइम। हम अभी एप्पल डाल रहे हैं, सेब, और इसको एक फॉइल देंगे। तो इस तरह से सेब हल्का सा गलना शुरू हो गया है, आप उसको फील करके देख सकते हैं। सो इस तरह से ये खीर ऑलमोस्ट तैयार। आप बार बार खैर सोच रहे होंगे कि इतनी सिंपल रेसिपी क्यों दी, ये खीर तो कोई भी बना लेगा। 5 साल मैं USA में था और वहाँ पे कई कॉम्पिटिशन्स में मैंने भाग लिया और मुझे गोल्ड मेडल मिला साबुदाने की खीर पे। तो इसलिए जो जैसे मैंने पहले कहा, सिंपल खाना ही सबसे इम्प्रेसिव होता है और आप उसमें हल्का सा किसी भी फ्रेश फ्रूट का, अंगूर का, अनार का, सेब का कोई भी टच दे दें इस तरह, आप इसको सकोड़े में रख सकती हैं, आप चाहे कटोरी में रख सकती हैं। मेरी प्रेफरेंस ये रहती है इसे सकोड़े में रख के इसको रेफ्रिजरेट करने की ताकि ये सेट हो जाए। गार्निश के लिए आप चाहें तो जैसे हमने पिछली बार गुलाब पंखड़ी यूज करी वो यूज कर सकती हैं, या हल्का सा चांदी का वर्क। इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये साबुदाने और सेब की खीर आपके आपके फैमिली के लिए स्वादिष्ट और तैयार है। एंड इट्स ऑलवेज बेटर इफ इट्स चिल्ड।